गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने जा रहा है। इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ इन सकुरा के वाइट चिली रोल्स का, जो कि आप देख सकते हो। सो गाइज, मैं इन्हें हर मीडियम पे यूज़ करके देखूँगा, ठीक है, ताकि जिस भी मीडियम पे आप वर्क करते होंगे, ठीक है, आप देख सकते हो कि ये उस पर यूज़फुल है कि नहीं। सो गाइज, चलिए इन्हें जल्दी से बाहर निकाल के वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि आपके पास ऐसे ही आर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा, ये हर एक मीडियम पे बहुत अच्छे से ऑपरेट हो रहा है। ये कुछ बेसिक साइंस के रिलेटेड। सो गाइस, अब मैं आपको दिखाऊंगा ये आप कहां कहां पे यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, मैं आपको अपने कुछ आर्ट वर्क दिखाऊंगा कि मैंने कहां कहां पे इन जेली रोल्स का यूज़ किया है। तो गाइस, ये स्केच सारा डिफरेंट का है, जो कि मैंने कुछ महीने पहले बनाया था। तो इस स्केच में मैंने इन जेली रोल्स का यूज़ एक तो यहाँ ईयर रिंग ड्रा करने में किया है, जैसे कि आप देख सकते हो, और इसके साथ साथ जो क्लोज की टेक्सचर है वहाँ पे मैंने यूज़ किया है, एज यू कैन सी गाइस। चलिए गाइस, नेक्स्ट स्केच देखते हैं। ओके गाइस, तो इस बंदे को तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है, द वन एंड ओनली बी प्रॉक। ये स्केच मैंने कुछ दिन पहले बनाया था। सो गाइस, इस स्केच में मैंने जेली रोल्स का यूज़ मोस्टली बैकग्राउंड ड्रा करने में किया है, जो कि आप देख सकते हो, रेंज और थोड़ा बहुत यू नो आईज में रिफ्लेक्शन ड्रा करने में किया है। ये था पी प्रॉक का स्केच। चलिए अब नेक्स्ट स्केच देखते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट स्केच है थैनोस का, जो कि मैं सिंपल बॉल पेन से ड्रा किया है ना, पूरा स्केच एक सिंपल फायर पीस के बॉल पेन से ड्रा किया है। तो यहाँ पर मैंने जेली रोल्स का यूज़ एक तो स्किन टेक्सचर के लिए किया है, जैसे कि आप देख सकते हो, और जो कि शील्ड पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस आए थे ना उसके, तो वहाँ पे ड्रा करने में किया है। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, ये जेली रोल्स एक आर्टिस्ट के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इनसे एक स्केच में अलग सा ही लुक मिलता है, एक रियलिस्टिक टाइप का लुक मिलता है। सो गाइस, अगर आप ये बाय करना चाहते हो, अमेजोन पे अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप ये बाय कर सकते हो। सो गाइस, दैट वाज ऑल इन टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर आर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर। अल्लाह।